हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कुक विद लक्ष्मी व्लॉग्स। मैं आज नानी बात कर रही हूँ। तो बहुत दिनों से देख रहे हो कि वीडियोस नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो उसका रीज़न बिज़ी भी है, बिजीनेस भी है, क्योंकि जॉब और इसमें बिज़ी भी है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे हमने पहले भी 2-3 बार बताया कि मेरी नानी, मतलब मम्मा की मम्मा को नी का प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेशन था पैर का विर का, तो वही 2 दिन पहले हुआ था, तो इसलिए हम लोग बिजी थे। तो अभी मम्मी वो हॉस्पिटल से आ चुके हैं, उनके घर पर ही है वो, तो वहीं मम्मी अभी जा रही है। उनके लिए इडली और ये सब लिया था, तो 2 दिन उनमें ही बिजी थे हम। हेलो फ्रेंड्स, तो मम्मी, ये 2-3 दिन के पहले की क्लिप थी जो मैंने थोड़े देर पहले दिखाई और जिसके मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो उसमें कोई वॉइस नहीं था इसके लिए, और जस्ट अपडेट करना था इसलिए। वो ऑपरेशन हम लोग बहुत सालों से स्किप कर रहे थे, तो अभी बस छोटा ऑपरेशन हुआ है। और एक ऑपरेशन बाकी है जिसके लिए अभी और मंथ बाकी है, सो ये छोटा वाला ऑपरेशन था, वो कर लिया है। तो उसके वजह से ही हम बिज़ी थे, नानी को हॉस्पिटल और ऑपरेशन उसमें, और उसी के बीच में एक और एक हुआ वो हेलमेट का, जिसका लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो वो उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन ही हुआ था। तो हॉस्पिटल से हम लोग पूरा मम्मी नानी का ध्यान दे रहे थे। उसके बाद एक दिन मम्मी काम पर गई, उस दिन मैं भी काम पर गई, क्योंकि मैंने भी छुट्टी लिया था, मम्मी ने भी लिया था। तो हॉस्पिटल से जब भी मतलब नेक्स्ट डे, रिलीज होने के नेक्स्ट डे मम्मी का हेलमेट चोरी हो गया, और जो क्लिप है वो 3rd डे है हॉस्पिटल से निकलने के बाद का। तो उस दिन मम्मी गई थी मिलने के लिए उन्हें, उनको भी ठीक नहीं लग रहा था, तो उस दिन वो घर पर ही थी संडे के दिन, तो वो उनसे मिलने गए थे, संडे या मंडे आई गेस, उनसे मिलने गए थे। उनको क्या बोलते ना, ऐसे ही उनके साथ टाइम स्पेंड किया, ऐसे उनको नी पेन और वो सब था भी, ऑपरेशन के बाद थोड़ा वीकनेस भी था, थोड़ा बुखार आ गया था, तो वो सब था, तो वो सब देख रहे थे, इसलिए हम बहुत बिजी थे। तो वही था इतने दोनों का अपडेट। तो आगे देखिए, आगे वो हेलमेट भी आ गया, तो अभी अभी आप आगे देखोगे कि हेलमेट हम लोग ने जो नया खरीदा वो हम दिखाएंगे। तो आई नो ये व्लॉग बहुत बिट्स में है, मतलब एकदम सा कट कट होकर है, क्योंकि हम लोग अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाए, पर हमें डेली मतलब व्लॉग डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसे व्लॉग डाल रहे हैं, प्लीज़ बस समझ लीजिए। हम ट्राई कर रहे हैं, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट इसके बाद अब देखोगे कि कल ही जो मम्मी ने हेलमेट लाया उसका क्लिप अभी मैं दिखाती हूँ आपको। यही था वो हेलमेट, आप देख सकते हैं पहला मेरा हेलमेट कौन सा था और अभी का हेलमेट कौन सा। ये मेरा बिल्कुल नहीं है, चेंज करके चला गया, मैं इतना परेशान हो गई, इसमें मेरा चेहरा भी नहीं जाता, मेरा ये चिर गया है, समय पहना पहनते हुए चिर गया, मतलब वो टाइट हो गया ना, तो थोड़ा इधर घस गया, घस गया वैसा। ये ऐसा 3rd क्लास हेलमेट रख के मेरा अच्छा वाला लेके चला गया। अभी मैं आज मैंने लिया, इतना परेशानी में भी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मेरी माँ का भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं परेशान हूँ, तो भी ये खर्चे में ये एक नया हेलमेट आज मैंने लिया, 1200। हाँ, देख सकते हो थोड़ा गोल है वो, थोड़ा ये सुजुकी का, मैं तो दूसरा कहीं ले नहीं सकता, आज नया लेके आया, इतना परेशान हूँ मैं पैसे के लिए भी ना, इतना मुश्किल से आज पूरा वो दवा पानी मेरी माँ का भी, मैं बाद में आपको बताती हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान, और परेशानी में भी ये सब लेना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं मुझे वो हो ही नहीं रहा, चोरी करने से पहले सोचा भी नहीं कोई। हाँ, ये साइज XL है, अभी देख सकते हो ना, जरा ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है इससे? नहीं, ये बराबर ही है नानी। अच्छा, यही होता है मेरा, मैं भी आपको दिखाती हूँ, लास्ट वाला भी यही था। हाँ देख, यही है, समझ रहे? यही समझ, लास्ट वाला, और वो तो अभी जाता ही नहीं मेरा चेहरा, कोई कैसे नीचे गिर गया वो भी रख रही थी, या भी रखते स्पेयर के लिए, वो अर्जेंसी में का जाने के लिए रखू, अभी ये संभाल के रखना है मेरे को तो। मैं सच में ये मिलता था ना मेरे को, जिसने चोरी किया उसका हिस्सा मारती थी ना मैं, क्यों पूछो ही मत। ये साइज के है, समझ नहीं आ रहा, इसमें कुछ साइज रखा नहीं है, आई गेस ये MES होगा, क्योंकि मम्मी को आ नहीं रहा है, मम्मी को छोटा पड़ रहा है वाला। अरे वो मेरा टाइप का है ही नहीं, ये मेरा टाइप का है ही नहीं, ये लड़के लोग का कोई चोरी करने वाला लड़का ही होगा कोई कमी ना, क्योंकि वो टमाटर का सुजुकी का वो पार्सल देने आता ना कमी ना, उसी में ही निकाला होगा, अच्छा हो ये देख के।
बस बस क्या बस बस नन्नी, मेहनत कर तो उसको पता है, 1 रुपए भी कोई फुकट में नहीं आता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, कितना जान डरता है। ठीक है ठीक है ठीक है, रख दो डब्बे के अंदर ही रख दो। अभी कैसे भी दो क्या बोलते ना, 2 हेलमेट ये हो गए मैंडेटरी हो गए, तो अभी कभी आपके साथ जाऊंगी तो अभी मेरे को भी हेलमेट पहनना, तेरा सर में भी आएगा ना, लेट्स सी ना, देख लेंगे। बस मम्मी अभी क्या, अभी कहाँ गए थे वो बता। वो आजी के पास, आजी के पास से ही आ रही हूँ, अभी आई 9 बजे को ना, सुबह काम पे भी जाना है, 2 दिन से गया नहीं, मेरी माँ का तबीयत ठीक नहीं है, ऑपरेशन हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ है दोनों पैर का, वो दो मुख जैसा पैर में था वो निकाला है, लेकिन मेन सर्जरी 6 महीने के बाद ही होगा, तो भी मैं नहीं थी उस टाइम पे, किसी और को मेरी मौसी बोलते उसको रुका के यार सर्जरी करवाया, मैं रुक नहीं पाई क्योंकि काम में मैं जाती थी, काम में भी किसी को पता है नहीं था, बट कल मैं कल छुट्टी ली थी तो मैं उसका देखभाल कर रही थी, कल संडे था, और लेकिन देखा तो कल रात को उसको चेस्ट में पेन होने लगा, पता नहीं क्यों पेन हो रहा था, करके मैं डर के मारे मैं रात को ही भागी, पूछा फिर सुबह सुबह दवाखाना लेके गई, सबको मैसेज डाला और मैं भाग गई, फिर सुबह दवाखाना लेके गई, किस वजह से हुआ था तो वो स्ट्रांग दवा दिया है, उसकी वजह से वो पैर की वजह से उसको दर्द ना हो, स्ट्रांग दवा देने से वो एसिडिटी का एक गोली देते, वो पहले ही एक गोली खा के फिर खाने का करके, वो मेरी माँ ने गलती से रात को मैं उसको देख के आई थी वो खा ले करके, क्योंकि मौसी भी थे बाजू में उसको बोल के आई थी, वो नहीं खाया रात को, वो वैसे ही खाना खाया, वो गैस चढ़ गया छाती पे, वो पेन हो गया तो मैं उसके लिए दौड़ना पड़ा, फिर वो बताया डॉक्टर चेस्ट का वो एसिडिटी का वजह से हुआ है, तो फिर आज मैं दिन भर वहीं थी, अभी 9 बजे का ही, 9 बजे का आने के बाद अभी मैं नहाई हूँ, फिर हेलमेट भी लेने गई थी, वैसे किसी और को बोला था, मैं नहीं गई थी, किसी और को बोला था कि हेलमेट लेके आओ, मैं अब बाजू वाले को, तो वो लेके आया इतना 1200 रुपये को, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था जाने आने के लिए, तो मैं इतना परेशानी में भी ये परेशान है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ठीक है।